हे एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। एज यू नो कि आज मैंने लुक क्रिएट किया है जो कि है न्यूली ब्राइड मेकअप लुक। और ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो चलिए देखते हैं। और हाँ, आप इसे फेस्टिव मेकअप लुक भी कह सकते हो, जैसे दिवाली और कितने सारे फेस्टिवल हमारे इंडिया में होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने फेस को सीरम किया है और मैं हर वीडियो में आपको ये सीरम दिखाती भी हूँ, बट मैं मेंशन कर दूँगी कि मैंने कौन सा सीरम यूज़ किया है। और मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। तो सीरम करने के बाद मैं इस मसाजर की हेल्प से मसाज कर रही हूँ फेस को, ताकि जो भी थोड़ा पफीनेस मेरे फेस पर है वो थोड़ा दूर हो जाए और मेरे फेस को रिलैक्स भी मिले। तो ये मसाजर भी मैंने कहाँ से परचेज़ किया है इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो ये लिप बाम मैंने यूज़ किया है और यू नो कि अगर आप कोई भी लिप बाम अपने लिप्स पर यूज़ करते हो तो आपकी लिपस्टिक एक स्मूथली तरीके से अप्लाई होगी। आप ये ट्राई करके देखना, विदाउट लिप बाम आप यूज़ करके देखना, लिपस्टिक अप्लाई होगी नहीं, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, इसलिए ये अप्लाई करना ज़रूरी है। एंड उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है जो कि न्यूट्राजेना का मॉइस्चराइज़र है। एंड आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। तो मैं मॉइस्चराइज़र्स को बदलती रहती हूँ। और इसके बाद जो स्टेप है नेक्स्ट, वो अपने फेस को प्राइम करना है। तो प्राइम करने से क्या होगा, एक तो आपके जो पोर्स होते हैं वो ब्लर हो जाएंगे। मतलब अगर आप प्राइमर यूज़ नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट फाउंडेशन अपनी स्किन पर लगा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन भी ख़राब होने के चांस हो सकते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट पोर्स में, तो उससे हमारा स्किन ख़राब हो सकता है। और या तो नेक्स्ट स्टेप है कलर करेक्टर। तो कलर करेक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर रही हूँ। कलर करेक्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका मेकअप बहुत भद्दा लगेगा, बहुत गंदा गंदा सा लगेगा। सो ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको थोड़ी थोड़ी सी भी डार्क सर्कल्स है तो भी आपको यूज़ ज़रूर करना है। नेक्स्ट स्टेप है, मैं ये बीबी और फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से फर्स्ट मैं पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लूँगी, ताकि इवनली मेरे फेस पे अप्लाई हो, प्रोडक्ट जो है कहीं ज़्यादा कहीं कम ना लगे। तो सारे फेस पे मैं इसे अप्लाई करने के बाद फैला लूँगी सारे फेस पर। एंड या तो फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या फिर कोई ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी। अगर आपको फुल कवरेज चाहिए एकदम, तो फर्स्ट आप इस ब्रश की हेल्प से, कोई भी ब्रश जो कि स्पेशली फाउंडेशन ब्रश होता है, उसकी हेल्प से आप इसे अप्लाई करिएगा और देन ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हो, ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। एंड अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी, ये कंसीलर है, और जो भी डार्क सर्कल्स हैं उनको एक बहुत अच्छे तरीके से हाइड भी कर देता है और एक फ्लैट आपका फेस नहीं लगता है। अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपका फेस अब एकदम फ्लैट फ्लैट लगेगा, तो एक नेचुरल लुक लेके आएगा। एंड अगेन मैं ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। यू नो गाइस, मैं बहुत दिन से बहुत सारे ट्यूटोरियल में ये लिपस्टिक ही यूज़ कर रही हूँ कंटूरिंग के लिए, मेरा जाना ही नहीं हो रहा है बाहर एक्चुअली। तो अगर आपके पास भी ये लिपस्टिक, ये शेड है जो कि कंटूरिंग से मैच होता है, आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद मैं अपने फेस को इस फेस पाउडर की हेल्प से सेट करूँगी जो कि स्विस ब्यूटी का फेस पाउडर है।
ब्लशर के लिए भी मैं स्विस ब्यूटी का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, और इस फ्लफी ब्रश की हेल्प से जो कि पाउडर ब्रश है, और इसे ये 2-in-1 है एक्चुअली, तो BH कॉस्मेटिक्स का ब्रश है, तो मैं यू नो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड अब बारी आती है अपनी आइज़ की, तो आपने देखा है मैंने ऑरेंज शेड यूज़ किया है जो कि अपनी मैं क्रीज को सेट कर रही हूँ, इसको मतलब जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, ये मेरी वर्डिंग है बैकग्राउंड कलर, वैसे तो इसको बोलते हैं यू नो प्रोफेशनल लैंग्वेज में से बोल देते हैं ट्रांजिशन शेड, तो ट्रांजिशन शेड मैंने यूज़ किया है और अच्छे से उसको ब्लेंड किया है। देन मैं ये शेड अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईलिड पर, बहुत ब्यूटीफुल शेड है, और मैंने पैलेट जो यूज़ किया है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंशन कर दूँगी। अनस्तासिया बेवरी हिल्स का मैंने यहाँ पे पैलेट यूज़ किया है, जहाँ से मैंने पैलेट परचेज़ किया है वहाँ का भी मैं लिंक आपको दे दूँगी। एंड ये फ्लैट ब्रश है, इसकी हेल्प से मैं अपनी आईलिड पर इसे अप्लाई कर रही हूँ। देन इसके बाद मैंने ब्लैक शेड चूज़ किया है, यू नो आपके पास कोई भी ब्लैक शेड होगा, ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कौन सा पैलेट है, बस वो ब्लैक शेड होना चाहिए। और इस ब्रश की हेल्प से, बट हाँ ब्रश आपके दोनों अलग होने चाहिए, जैसे कि मैंने फर्स्ट शेड का यूज़ किया उसके लिए मैंने अलग से ब्रश किया लिया था, और क्योंकि ब्लैक शेड है तो इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल आपके पास ब्रश जो है वो अलग होना चाहिए, अदरवाइज़ वो ब्लैक हो जाएगा अगर आप सेम ब्रश से काम करेंगे। एंड इसके बाद मैं अपनी लोअर जो लैश लाइन है उसको मैंने डिफाइन किया है ब्लैक शेड के साथ ही। देन मैं ये लैक्मे का काजल यूज़ कर रही हूँ, और अपनी अपर एंड लोअर वाटर लाइन को मैं एक साथ फिल कर रही हूँ, आप देख सकते हो इस तरह से। देन मस्कारा अप्लाई करना है, इससे पहले मैंने अपनी आईलैशेस को कर्ल किया है, और कर्ल करना क्यों जरूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो वो अलग अलग नहीं दिखेगा, सुंदर सुंदर नहीं दिखेगा। ओके तो मेबेलिन न्यूयॉर्क का मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, एंड मी ऑन का लिप शेड यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी लिप शेड यूज़ कर सकते हो गाइस, कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ आप वही यूज़ करोगे। तो या तो ये मैंने अपना आउटफिट जो कि सारी एंड अपनी ज्वेलरी को वियर किया है, एंड या हियर इज़ द फाइनल लुक। एंड बट हाँ एक स्टेप रह गया अपने फेस को सेटिंग स्प्रे से सेट करना, ये लॉन्ग लास्टिंग तक आपकी मेकअप को टिकाएगा। ओके सो हियर इज़ द फाइनल लुक, आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि आपको अच्छे अच्छे मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाऊं। तो ये है फाइनल लुक, तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर कर देना, एंड नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।